नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। वेस्ट बंगाल के एक केंद्रीय विद्यालय की तरफ से एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फॉर सेवरल टीचिंग पोजीशन। तो चलिए नोटिफिकेशन को डिटेल्स में एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, लाइक कॉमर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, हिंदी एंड मैथमेटिक्स। टीजीटी यानी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए सब्जेक्ट्स जो यहाँ पे चाहिए वो है मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी एंड संस्कृत। तो पीजीटी एंड टीजीटी के लिए यहाँ पे जो वॉक इन इंटरव्यू का जो डेट है वो है 27 फरवरी यानी कि 27 फरवरी 2024 मंगलवार को है। सुबह 9 बजे से स्टार्ट होगा, बट आपका जो रिपोर्टिंग है वो 8:30 के करीब हो जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर्स, बाल वाटिका टीचर एंड मिसलेनियस टीचर और स्टाफ के लिए यहाँ पे अलग अलग से पोजीशन दिए गए हैं, लाइक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, डांस और म्यूजिक इंस्ट्रक्टर, योगा इंस्ट्रक्टर, गेम्स कोच, स्पेशल एजुकेटर, डॉक्टर, नर्स एंड काउंसिलर। तो यहाँ पे देखिए 28 फरवरी यानी कि 28 फरवरी 2024 बुधवार को जो है यहाँ पे आपका इंटरव्यू होने वाला है। सभी पोस्ट के लिए वॉक इन इंटरव्यू है, कोई एक यहाँ पे अलग से आपको एग्जाम या फिर एप्लीकेशन फीस यहाँ पे नहीं देना होगा। वेन्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं जो लास्ट कॉलम में दिए गए हैं, तो ये वेस्ट बंगाल की तरफ से आया है। इसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक बार देख लेते हैं। तो पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर्स के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो है सीनियर सेकेंडरी यानी कि क्लास 12th पास के साथ साथ आपका 2 साल की डिप्लोमा होना चाहिए इन एलिमेंटरी एजुकेशन एंड क्लास 12th में एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए। सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझे पूछते रहते हैं फिर भी कि सीटेट अगर क्वालिफाई नहीं किया है, बाकी सारे कोर्स उन्होंने कर लिया बट सीटेट नहीं है तो वो अप्लाई कर सकता है कि नहीं? बिल्कुल नहीं कर सकते। सीटेट पेपर 1 अगर आपका क्वालिफाइड नहीं है तो फिर आप या टीजीटी या फिर पीआरटी के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, एंड देन टीचिंग प्रोफिशिएंसी आपका हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, और भी ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस आपको मिल जाएगा, जैसे कि अगर आपने डिप्लोमा कंप्लीट नहीं किया है तो और भी ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस है वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है बाल बाटिका टीचर्स। तो बाल बाटिका टीचर्स के लिए देखिए 12th पास विथ 50% मार्क्स, उसके साथ साथ डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए इन नर्सरी टीचर एजुकेशन या फिर प्री स्कूल एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, एंड जो ड्यूरेशन है वो 2 साल की कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है काउंसलर की पोस्ट। बी ए या फिर बीएससी साइकोलॉजी अगर आपने किया है विद सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसिलिंग तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नर्स के लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी या फिर बीएससी नर्सिंग होना चाहिए विद रजिस्ट्रेशन इन द नर्सिंग काउंसिल। डॉक्टर के लिए एमबीबीएस मस्ट है अलोंग विद रजिस्ट्रेशन विद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आता है पीजीटी के लिए, सब्जेक्ट्स हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो पीजीटी का जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए वो है 50% मार्क्स के साथ साथ आपका मास्टर्स डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट विद बीएड फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड टीचिंग प्रोफिशिएंसी हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका होना चाहिए, बिकॉज स्कूल का जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। ठीक है, नाउ पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए बीई या फिर बीटेक आपने किया है सीएसआईटी यानी कि कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी में, या फिर आपने बीई बीटेक कंप्लीट किया है एनी स्ट्रीम, उसके साथ आपने पीजीडीसीए या फिर एमसीए किया है या फिर एमएससी किया है आईटीसीएस में तो फिर आप यहाँ पे बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए। तो देखिए, बीई बीटेक अगर आपने कंप्लीट किया है इन कंप्यूटर साइंस या फिर बीसीए एमसीए एमएससी कंप्यूटर साइंस एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स विद कंप्यूटर साइंस कंपोनेंट एमएससी आईटी किया है या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस किया है तो फिर आप यहाँ पे बेझिझक अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है टीजीटी यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए 4 साल के इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स आपके पास होना चाहिए ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। ठीक है, उसके साथ साथ आपका सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। नेक्स्ट, टीचिंग प्रोफिशिएंसी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या स्पेशलाइजेशन चाहिए, लाइक अगर आप इंग्लिश में अप्लाई करते हैं तो इंग्लिश आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए इन ऑल द 3 इयर्स विद इंग्लिश लिटरेचर। नेक्स्ट, हिंदी के लिए हिंदी, संस्कृत के लिए संस्कृत, मैथमेटिक्स के लिए बैचलर डिग्री में आपका मैथमेटिक्स एज अ मेन सब्जेक्ट होना चाहिए विद एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स। टीजीटी साइंस के लिए देखिए बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री कोई भी एक सब्जेक्ट में अगर आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट किया है
तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है सोशल स्टडीज के लिए नी टू ऑफ द फॉलोइंग लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, बट जो भी आपका कॉम्बिनेशन हो उसमें से हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट पर चलते हैं, तो गेम्स कोच के लिए देखिए एसीआई कोच कोचेस या फिर एनआईएस, बीपीएड, एमपीएड या फिर डिप्लोमा अगर आपने किया है, अदरवाइज अगर आपने पार्टिसिपेशन किया है नेशनल या फिर स्टेट लेवल विद गुड ट्रैक रिकॉर्ड्स तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बट उसके साथ साथ आपका बेसिक क्वालिफिकेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए। डांस या फिर म्यूजिक इंस्ट्रक्टर के लिए डिप्लोमा, डिग्री या फिर ग्रेजुएशन इन द कंसर्न फील्ड स्पेशलाइजेशन आपके पास होना चाहिए। एंड देन रिप्रेजेंटेड इन एनी एट स्टेट और नेशनल लेवल इफ एप्लीकेबल। ठीक है, योगा इंस्ट्रक्टर के लिए यहाँ पे देखा जाए तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे चाहिए ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विद डिग्री और डिप्लोमा इन योगा फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो कोई भी डिसिप्लिन में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके साथ अगर आपने डिप्लोमा या फिर कोई भी डिग्री कंप्लीट किया है योगा में फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्पेशल एजुकेटर, तो स्पेशल एजुकेटर का तीनों अलग अलग पार्ट है। लाइक अगर आप प्री स्कूल, नर्सरी या फिर प्ले स्कूल में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए 10th पास के साथ साथ आपके पास अगर सर्टिफिकेट प्रोग्राम है इन अर्ली एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन में तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप एलिमेंटरी यानी कि प्राइमरी, अपर प्राइमरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो 12th पास के साथ साथ आपका 2 साल का डीएड स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए इन एनी कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और भी बहुत सारे देखिए 9-10 और भी ऑल्टरनेटिव ऑप्शन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर आप सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए विद बीएड इन स्पेशल एजुकेशन तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन नॉलेज को देखिए यहाँ पे डिजर्वेबल में रखा गया है, यानी कि जिनके पास कंप्यूटर का एप्लीकेशन नॉलेज नहीं है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे कोई भी फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे एक्सपीरियंस को मैंडेटरी क्वालिफिकेशन में नहीं रखा गया है। नेक्स्ट कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, लाइक देख सकते हैं कि ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म इसी नोटिफिकेशन के साथ एक एप्लीकेशन फॉर्म को अटैच कर दिया गया है, उसी एप्लीकेशन फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है एंड देन प्रिंट आउट करके फिल करना है। फिल करके आपको जो है जिस दिन आपका इंटरव्यू है उसी दिन आपको साथ में लेके जाना है अलॉन्ग विद ऑल योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। उसी दिन आपका रजिस्ट्रेशन होगा बिफोर इंटरव्यू, तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको सबमिट करना होगा। ठीक है, एंड सेल्फ अटेस्टेड करके जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपको लेके जाना होगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आपको जो फिल करना है, जो भी आप इन्फॉर्मेशन देंगे यहाँ पे सभी कैपिटल लेटर्स में आपको देना है। ओके, यहाँ पे देखिए कोई भी सेंड या फिर पोस्ट, नो नीड टू सेंड थ्रू ऑर्डिनरी या फिर स्पीड पोस्ट या फिर ऑर्डिनरी पोस्ट के द्वारा सेंड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको जिस दिन जो भी पोस्ट का जिस दिन इंटरव्यू है उसके अकॉर्डिंग आपको जाना है एंड उसी दिन आपको सबमिट करना है। एक पेज का ही एप्लीकेशन फॉर्म है, ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, उसके साथ साथ देखिए कोई भी टीएडी आपको नहीं मिलने वाला है फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू। सैलरी एंड सर्विस का बात करें तो केवीएस नॉर्म्स को फॉलो किया जाता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू केवीएस नॉर्म्स अगर देखा जाए तो पीजीटी के लिए आप मतलब सोच सकते हैं कि जो रेंज होता है वो आपका 40 यानी कि 40,000 से 50,000 के बीच में रहते हैं पर मंथ। एंड पीआरटी के लिए अगर देखा जाए तो 35 to 40 के बीच में रहता है। एंड टीजीटी का भी वैसे ही 35 to 45 के बीच में आपका जो है सैलरी रेंज रहते हैं। ठीक है, तो उसी के आसपास आपको मिलेगा, तो मतलब सैलरी को लेके बिल्कुल टेंशन करने वाली कोई बात नहीं है। जो भी डिजर्वेबल कैंडिडेट है उनको मतलब अच्छी खासी जो है सैलरी मिल जाएगा। अब ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होने वाला है, कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की पोस्ट है ये, तो रेगुलर क्लासरूम एक्टिविटी आपका होगा, उसके साथ कॉपी चेकिंग, इन्विजिलेशन ड्यूटी या फिर इवेल्युएशन वर्क एंड हेल्पिंग स्टूडेंट्स एंड कलीग्स इन प्रिपरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट करिकुलर या फिर को करिकुलर एक्टिविटीज इन द विद्यालय। अगर कोई भी इसको इसके अलावा भी अगर कोई प्रिंसिपल के द्वारा कोई काम दिया जाता है, कोई काम असाइन किया जाता है तो वो भी आपको कंप्लीट करना होगा। ठीक है, हम देख सकते हैं ये जो है एप्लीकेशन फॉर्मेट है एक पेज का ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो इसको डाउनलोड करके फिल कर लीजिए एंड जिस दिन इंटरव्यू है उसी दिन आपने साथ लेके जाइए। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रिक्टली मेंशन कर दिया गया है कि दोज कैंडिडेट्स आर नॉट क्वालिफाइड सीटेड, दे डू नॉट अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी एंड पीआरटी। तो टीजीटी पीआरटी के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते अगर आप सीटेड क्वालिफाई नहीं किया है। ठीक है, देन सिग्नेचर आपको जरूर से करना है, डेट प्लेस एंड यहाँ पे कैंडिडेट का नाम। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन है, बहुत ही अच्छा नोटिफिकेशन है, वेस्ट बंगाल की तरफ से आया है।
आप देख सकते हैं पीएमसी केंद्रीय विद्यालय एफएस बागडोगरा की तरफ से, जो कि दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वेस्ट बंगाल में, आप एक बार ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेते हैं। तो ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करके आपके अनाउंसमेंट करके मिल जाएगा, अनाउंसमेंट में क्लिक कीजिए एंड देन यहाँ पे आके आपको जो नोटिफिकेशन है वो आपको दिख जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छी नोटिफिकेशन है, जरूर ट्राई कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन विल बी डन फ्रॉम 8:30, सुबह 8:30 से 10:30 के बीच में ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, तो आपको क्या क्या लेके जाना है, वैलिड आईडी कार्ड आपको लेके जाना है विद्यालय में इंटर करने के लिए। ठीक है, तो मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। यहाँ पे टीचिंग नॉन टीचिंग पोजिशन सभी पोजिशन के लिए वैकेंसी रिलीज किया गया है। जिनके पास अभी एक्सपीरियंस नहीं है कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर में, बिल्कुल यहाँ पे इंटरव्यू अटेंड कीजिए, बिकॉज जो यहाँ पे एक्सपीरियंस होगा आपको वो आगे जाके परमानेंट पोजिशन के लिए आपका बहुत मदद होने वाला है। ठीक है, एंड ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज मेरी वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट करना ना भूले, एंड कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आप कौन से स्टेट से मेरी वीडियो देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चले कि मेरे सब्सक्राइबर कौन कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, ताकि मैं उसी स्टेट का जो नोटिफिकेशन आता है वो मैं ज्यादातर मेरी चैनल पे अपलोड करूँ। ठीक है, एंड जिन्होंने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। मेरी चैनल के जो कम्युनिटी सेक्शन है वो बिल्कुल मिस ना करें, वहां पे भी मैं अलग अलग जॉब नोटिफिकेशन अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।